सो गाइस ये आप देख सकते हैं विचर 3 का गेम प्ले Asus TUF F15 में और ये है फुल HD 1080p सेटिंग्स में। Hey guys, this is Apoor and welcome back to my YouTube channel। और आज कर रहे हैं हम इस Asus TUF Gaming F15 की अनबॉक्सिंग, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और आज हम पता लगाने वाले हैं कि क्या ये Asus TUF वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स लेट्स अनबॉक्स दिस Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप। तो F15 का यहाँ पे ये मतलब है कि ये इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है और ये आप अगर आप A15 मॉडल देखोगे तो वो आपका आएगा AMD Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक सेपरेट वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो पहले तो इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो ये कुछ ज्ञान की बातें लिखी हुई है जिसमें मैक्सिमम लिटरल प्राइस 90,000 लिखी हुई है, बट ऑब्वियसली ये लैपटॉप 90,000 का है नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन बात पे। यहाँ पर TUF Gaming की ब्रांडिंग है। तो बॉक्स तो काफ़ी अच्छा सा है, मैंने डेल और HP के लैपटॉप्स भी देखे हैं, उनके बॉक्सेस इतना अच्छा बॉक्स नहीं रहता है उनका, बट इसका काफ़ी अच्छा है। सो देखते हैं कि अंदर भी लैपटॉप भी इतना अच्छा है कि एकदम टाइम पास है। लेट्स सी। सो दिस इज द फर्स्ट लुक। सो बॉक्स तो देखिए एकदम ही मज़ा आ जाएगा आपको। लैपटॉप भी आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहा है। ये TUF का लोगो है, ठीक है, जो बर्ड टाइप कुछ हमको दिखाई देता है। ये TUF Gaming की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है इन्होंने, ठीक है, और ये काफ़ी मतलब अच्छे टाइप से दिया हुआ है। और अब ये देखते हैं कि लैपटॉप के अलावा क्या क्या हम बॉक्स में हमें मिलता है। तो हम यह बॉक्स में देखें तो ये कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह है, HDMI कुछ कुछ है जो कि हम कभी पढ़ते नहीं हैं। और फिर उसके बाद इधर हमें मिलेगी एक कॉर्ड, ठीक है, और अब देखते हैं उधर अपना क्या है। और इधर हमारे ऑब्वियसली एक 150 वॉट्स का एडाप्टर, ठीक है, क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है तो ऑब्वियसली 150 वॉट्स का चार्जिंग एडाप्टर तो बनता है। अब इसको मैं रख देता हूँ साइड में और अब हम लैपटॉप पे थोड़ा अच्छे से नज़र डालते हैं। तो अब देख सकते हैं लैपटॉप काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है, कुछ रेड और इस टाइप का इसमें अपीयरेंस है जो कि काफ़ी गेमिंग इसको लुक दे रहा है। एंड हम इधर लेफ्ट साइड में चले हैं तो ऑब्वियसली इसका जो है चार्जिंग पोर्ट है, देन लैन केबल, HDMI पोर्ट है, दो SS के स्लॉट्स आपको दे रखे हैं, हेडफोन जैक भी इसमें है, ठीक है, तो आप गेमिंग करेंगे या वाया हेडफोन तो आप बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। और हम अगर राइट साइड इसके लैपटॉप के देखें तो राइट साइड में सिर्फ एक हमको ये वाला पोर्ट देखने को मिलता है। नीचे का डिज़ाइन भी आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, हनीकॉम डिज़ाइन देखने को मिलता है यहाँ पे विथ डुअल फैंस। तो यहाँ पे दो फैंस है, ठीक है, इसमें दो मोड्स भी हैं, कूल मोड एंड टर्बो मोड। तो टर्बो मोड में ये फैंस बहुत तेज़ी से एकदम चालू हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़ फ्रॉम द आउटसाइड। अब थोड़ा अंदर से लुक डालते हैं कि क्या होता है। और अब इसका हिंज देखिए, इसका हिंज भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा स्टेबल है हिंज भी। तो ये है इसका फर्स्ट लुक, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। और इसके अगर स्पेक्स की बात करें तो इसमें 144 हर्ट्ज की फुल HD IPS डिस्प्ले वाली स्क्रीन आती है, तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन होने वाली है इस लैपटॉप की। फिर इसके बाद इसकी कीबोर्ड की बात करें तो ये RGB कीबोर्ड आता है विथ 3 और 4 मोड सेटिंग्स, आप अलग अलग से लाइट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं इसमें। इसमें इंटेल कोर i5 प्रोसेसर लगा है जो कि 10th Gen है। इसमें 8GB रैम है एंड 1TB SSD वाला मॉडल है जो कि मैंने लिया है शॉप से। अगर आप Amazon पे देखेंगे तो वहाँ पे 1TB वाला अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको मिलेगा 512GB वाला वेरियंट। और अगर इसके और स्पेक्स की बात करें तो इसमें 8GB रैम है, और इसमें अगर आप इस टैटू पे देखें तो यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, डुअल फैन जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें वाईफाई 6 है। और इसमें हाँ सबसे मेन पॉइंट, इसमें NVIDIA GeForce GTX का 1650 Ti ग्राफिक कार्ड है विथ 4GB डेडिकेटेड मेमोरी। सो ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज पे। और इस लैपटॉप की प्राइस है अराउंड 68,000, क्योंकि ये 1TB वेरियंट है इसलिए इसकी प्राइस 68,000 है। अगर आप 512GB वेरियंट लेंगे उसकी प्राइस होगी अराउंड 64,000। ओके, तो मैं लिंक Amazon की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट यू कैन। तो फ्रेंड्स लेट्स बूट दिस लैपटॉप एंड सी द बूटिंग टाइम। अब इसकी RGB आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर है इसकी RGB का, और अब इसका बूटिंग टाइम आप देखिए, मतलब
इंस्टेंटली चालू हो जाने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक SSD लैपटॉप है और मैं तो HDD चलाता आ रहा हूँ अभी से, तो मुझे तो ये काफ़ी फास्ट लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि आपको ये फास्ट लगा कि नहीं लगा, क्या आप HDD लैपटॉप चलाते हैं या आप SSD लैपटॉप चलाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसकी स्क्रीन देख सकते हैं, फुल HD IPS डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज़। तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन के कलर्स, स्क्रीन की एक्यूरेसी वगैरह सब देख सकते हैं, कितना अच्छी स्क्रीन है होने वाली है ये, और आप मतलब इसके कलर देख सकते हैं। मैं आपको एक दो वॉलपेपर चेंज करके बता देता हूँ टू गिव यू एन आइडिया कि कितनी अच्छी क्वालिटी है स्क्रीन की। आप ये देख सकते हैं कि आपको कैमरा में भी इतनी क्लियर स्क्रीन दिख रही है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन क्लियर ही होगी, क्योंकि अगर आप TFT LCD स्क्रीन पे देखेंगे तो उस पर अलग से ही रिफ्लेक्शन ब्लरीनेस आता है और उसमें कलर शिफ्टिंग भी काफ़ी होता है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा जो लैपटॉप है इसको थोड़ा सा इसका स्क्रीन मूव करके बताता हूँ कि अगर इसमें कलर शिफ्टिंग है कि नहीं है। तो आप ये देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो कलर शिफ्टिंग आपको नॉमिनल या एकदम नहीं मिलेगा देखने, वो तो एक्चुअल में है ही नहीं इसमें कलर शिफ्टिंग, क्योंकि ये डिस्प्ले IPS डिस्प्ले है तो इसमें कलर शिफ्टिंग होता ही नहीं। तो ये हो गया डिस्प्ले का, डिस्प्ले तो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है हमें। फिर आगे अपना ग्राफिक कार्ड, वो भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है, और इसका मेन फोकस जो है वो की है RGB। तो फ्रेंड्स, RGB पे हम नज़र डालते हैं, और RGB इसका एक हाईलाइटेड फीचर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज में डेल और लेनोवो के लैपटॉप में RGB आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी RGB देखते हैं और मैं आपको चालू करके बताता हूँ। ये देखो, ये देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है, और दिस इज़ द मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस होने वाली है इस लैपटॉप की, और इसके 2-3 मोड्स जो कि आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो होती है ब्रीथिंग मोड है, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक और मोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये स्ट्रॉबिंग मोड है, इसमें इस टाइप से ब्लिंक करेगी। ठीक है, और एक और मोड जो है इसमें प्रेजेंट है वो है कलर साइकिल की, सारे कलर्स रोटेट करेंगे एक के बाद एक। तो ये हो गए इसके 3 अलग अलग मोड्स। तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इतने मोड्स देना, RGB वगैरह देना इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि इस प्राइस 64,000 to 68,000 में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही, अच्छी स्क्रीन, अच्छा डिस्प्ले, सारा सब कुछ, तो इट इज़ अ गुड डील आई थिंक। और अब मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर बताता हूँ, जिससे अगर आपको लाइट आपकी जो है कस्टमाइज़ करनी हो तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ऑरा सिंक पे जाना है, जो आर्मरी क्रेट पे जाना है, और आपको कलर पे सिलेक्ट करना है, और अब आप जो कलर चाहे चूज़ कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ दिस। अभी आप देख सकते हैं ये कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए, ये जैसे मैंने ब्लैक समथिंग सिलेक्ट किया तो ये कुछ ब्लैक सा कलर हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा ग्रीनिश कलर सिलेक्ट करूँगा तो ये थोड़ा ग्रीनिश कलर हो गया, एंड ये देखिए कोई सा भी आप कलर हो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस टाइप से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसमें आपके जो मन हो। ठीक है, और ये कुछ स्टैंडर्डली डिफाइंड कलर्स हैं, जैसे आपको ग्रीन लगाना है आपने ग्रीन लगा दिया, आपको रेड लगाना है आपने रेड लगा दिया। सो लाइक दैट यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ दिस RGB। तो फ्रेंड्स, अभी क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है तो गेम प्ले तो बनता है ना, तो इसलिए अब मैं आपको थोड़े गेम्स के गेम प्ले दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उसको, और आप फ्रेम्स पर सेकेंड उसमें देख सकते हैं कि 144 हर्ट्ज़ की स्क्रीन पेयर्ड विथ GTX 1650 Ti आपको क्या फ्रेम रेट देते हैं और क्या स्मूथनेस है गेम्स की।
दैट्स इट फॉर दिस अनबॉक्सिंग वीडियो। और आप कमेंट में बताइए कि आपको ये Asus Gaming F15 लैपटॉप कैसा लगा, ठीक है, और क्या आपको गेम प्ले कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दिस इज अपोर साइनिंग ऑफ। ओवर एंड आउट।